नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भारत में एक दिन में कोविड 19 के सर्वाधिक 59,652 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 28 लाख को पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20,96,664 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर अब 73.91% रह गई। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड 19 के कुल मामलों की संख्या 28,36,925 हो गई है। वहीं वायरस से 977 और लोगों के मौत के बाद मृतक की संख्या बढ़कर 53,866 हो गई। मृतक दर गिरकर 1.90% हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 6,86,395 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है, जो कि कुल मामलों का 24.20% है। भारत और चीन के बीच सीमा मामलों से संबंधित सलाह और समन्वय कार्यकारी तंत्र की आज बैठक हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक विकास के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति की बहाली पर सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मंत्रालय की साप्ताहिक वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा, भारत चीन सीमा क्षेत्र में मौजूदा स्थिति पर दोनों पक्षों ने स्पष्ट और विस्तार से विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने दोहराया कि दोनों देश उनके विदेश मंत्रियों और दो विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुरूप पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने के बारे में ईमानदारी से काम करेंगे। दोनों पक्षों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि सैनिकों की पूरी तरह से वापसी सुनिश्चित करने के लिए उनके बीच राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संपर्क बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कार्यकारी तंत्र सहित बातचीत के अन्य चैनलों को भी सक्रिय रखने पर सहमति व्यक्त की। आज की बैठक में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जबकि चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय विभाग के महानिदेशक ने चीन का प्रतिनिधित्व किया। केंद्र सरकार के साफ सफाई को लेकर किए गए राष्ट्रीय स्तर के स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार चौथी बार प्रथम, गुजरात के सूरत को द्वितीय और महाराष्ट्र के नवी मुंबई को तृतीय स्थान पर घोषित किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को यहां स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित करते हुए कहा कि देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और स्वच्छ भारत अभियान का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार चौथे वर्ष इंदौर प्रथम स्थान बना रहा, औद्योगिक शहर सूरत को दूसरा और नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। छावनी शहरों में जलंधर छावनी को प्रथम स्थान का गौरव हासिल हुआ। सर्वेक्षण में 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्य में सबसे स्वच्छ छत्तीसगढ़ और 100 से कम शहरों वालों राज्य में सबसे स्वच्छ झारखंड को घोषित किया गया। विदेशी बाजारों के मिली नकारात्मक संकेतों के बीच कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण के नए मामलों में आई तेजी से पहले से ही हतोत्साहित निवेशकों ने गुरुवार को भारी बिकवाली की, जिसके दबाव में बीएसई का सेंसेक्स 394.40 अंक लुढ़कर 38,220.39 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निफ्टी 96.20 अंक फिसल कर 11,312.20 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 में से मात्र 4 कंपनियों में लिवाली देखी गई, जबकि HCL टेक के शेयरों के दाम स्थिर रहे। शेष सभी 25 कंपनियां लाल निशान में रही। निफ्टी की 50 कंपनियों में से 15 तेजी में रही, जबकि 35 पर गिरावट का दबाव रहा। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक आर्थिक परिदृश्य को लेकर अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा जारी निराशाजनक रिपोर्ट से दुनिया भर के शेयर बाजारों में बिकवाली हावी हो गई। अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा निराशाजनक रिपोर्ट से दुनिया भर के शेयर बाजारों में बिकवाली हावी हो गई। घरेलू शेयर बाजार पर भी इसका असर देखा गया। साथ ही घरेलू निवेशकों को कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की भी चिंता रही। दिग्गज कंपनियों के विपरीत मंझोली और छोटी कंपनियों में निवेशकों ने पैसा लगाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सेंट्रल न्यूज के साथ। धन्यवाद।